हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। अभी मैं खड़ा हूं अपने घर की छत के ऊपर और सनसेट होने वाला है दोस्तों। आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी क्या है, सच्ची घटना है जो कि है लाहिड़ी महाशय जी के बारे में। दोस्तों शायद आप लाहिड़ी महाशय जी के बारे में जानते या नहीं जानते, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, वो काफ़ी पहुँचे हुए संत थे और आपने योगी कथामृत पुस्तक जो स्वामी परमहंस योगानंद जी ने लिखी है वो शायद पहले कभी पढ़ा होगा, नाम सुना होगा। तो उनके जो गुरु थे युक्तेश्वर गिरी जी, उनके भी गुरु श्री लाहिड़ी महाशय जी। तो गाइज उनके बारे में एक बात थी कि शिष्यों के बीच में वो फेमस थे कि उनकी कोई फ़ोटो नहीं खींच सकता, मतलब उनकी कभी कोई फ़ोटो नहीं खींची हुई थी। तो उनके शिष्यों में एक था, वो अपने आप में बड़ा धांसू फोटोग्राफर बनता था और उसने बोला, ऐसी कोई बात होती है कि फ़ोटो नहीं आ सकती, मैं आपकी फ़ोटो खींचता हूँ और आप उसमें ना के दिखा देना। तो भाई वो चला गया और अगले दिन पूरी तैयारी करके आया, मतलब ये बॉक्स वो बॉक्स पीछे लगाने के लिए पर्दे लाया और लाहिड़ी महाशय जी एक तख्ते पे बैठ गए और बोले लो फोटो खींच लो। तो भाई उसने पूरा पीछे से कवर कर दिया, इधर से कवर कर दिया, मतलब फोटोग्राफी की उसने सारी तकनीक लड़ा दी। तो अब हुआ ऐसे कि उसने 20-30 एक पूरे फ्लैश ठें करके चलाए और उसके बाद जब भाई उसने वो जो रील धोई तो उसके अंदर कुछ भी नहीं, मतलब बिल्कुल ब्लैंक। तो भाई अब वो खुद चक्कर में पड़ गया, क्या अपने आप को इतना बड़ा फोटोग्राफर मानता था और लाहिड़ी महाशय जी तो फोटो में आई नहीं जैसा कि उन्होंने बोला था। अब तो भाई उसको शर्म से पानी होना पड़ा, लेकिन फिर वो गिर पड़ा गुरु जी के चरणों में लाहिड़ी महाशय जी के और कहने लगा, गुरुदेव मुझसे गलती होगी, मुझे क्षमा करें, लेकिन फिर भी मैं आपकी एक फ़ोटो चाहता हूँ जो मैं हमेशा अपने पास रख सकूँ या फिर जो साधक है उनके लिए अवेलेबल हो सके। तो गुरु जी ने बोला, तो चलो कोई बात नहीं, तुम कल आना और कल मैं फ़ोटो खिंचवा लूँगा। तो वो ही शिष्य अगले दिन फिर पहुँचा वहाँ पे और उन्होंने लाहिड़ी महाशय जी की फ़ोटो खींची। तो भाई लाहिड़ी महाशय जी की सिर्फ एक ही फ़ोटो देखने को मिलती है, तो वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। उनकी और कोई भी फ़ोटो देखने को नहीं मिलती, वो जो अपने एक आसन में बैठे हैं बस वही उनकी एकमात्र फ़ोटो है जो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर। तो ये थे लाहिड़ी महाशय, बहुत ही पहुँचे हुए संत, और गृहस्थ में रहते हुए भी जो लोग इस तरह के संत होते हैं ना भाई, वो काफ़ी अद्भुत होते हैं। क्योंकि वैसे पहाड़ों पे जाके तो बहुत सारे संत आपको मिल जाएंगे तपस्या करने वाले, लेकिन गृहस्थ में रहकर इस तरह के काम करना भाई बहुत मुश्किल होता है। तो सादर नमन है लाहिड़ी महाशय जी को, कोटि कोटि नमन, जय गुरुदेव। तो गाइज ये जो मैंने आपको कहानी या सच्ची घटना बताई थी, ये थी इस योगी कथामृत पुस्तक में जो कि स्वामी परमहंस योगानंद जी ने लिखी थी। तो गाइज आप भी इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें, ये पुस्तक बहुत ही मतलब एक आध्यात्म के पथ पर आपको अग्रसर करने वाली होगी, इससे बढ़कर और सिर्फ जो पुस्तक है वो खाली मैं गीता को मानता हूँ। और उसके बाद अगर किसी पुस्तक का नाम आता है तो यही वो पुस्तक है जिसको पढ़कर आप मतलब ऐसा फील करेंगे कि आप जो ये संतों के या अध्यात्म के जो गुरुजी हैं उनके सानिध्य में ही हैं। आपकी आपको काफ़ी बढ़िया फील होने वाला है इस पुस्तक को पढ़कर। तो गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय गुरु।